न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में सूर्य कुमार यादव ने जड़ा शतक, फिर मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। लेकिन बेचारे सूर्य कुमार यादव को पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए जब बुलाया गया तो आंखों में आंसू लिए पहले भारत के लिए कुछ ऐसा कहकर जीता करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। लेकिन रोहित शर्मा के लिए जो कह गए वो सुनकर पूरी दुनिया कर रही अब इनको सलाम। तो दोस्तों क्या बोले सूर्य वो सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप सभी को तो पता ही कि भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला जा चुका है और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने बड़ी ही रोमांचक तरीके से जीता है। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस हार गए थे और पहले बल्लेबाजी भारत की थी। हालांकि भारतीय टीम ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सूर्य कुमार यादव की 111 रन की पारी की बदौलत 6 विकेट गंवाकर 191 रन बनाए थे और 192 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने था। हालांकि दोस्तों आज के इस मुकाबले में जहां ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने ही बस भारत के लिए बढ़िया रन बनाए, जहां ईशान किशन ने मात्र 36 रन की पारी खेली थी, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने तो बस मात्र 51 गेंदों में 111 रन जड़ डाले, वो भी नाबाद रहते हुए। और अपनी इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 7 बड़े छक्के भी लगाए थे, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 191 रनों तक पहुंच पाई। तो वहीं फिर जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, जहां डेवोन कॉनवे और फिन एलन अच्छी साझेदारी को अंजाम दे नहीं सके, जिसके चलते एक के बाद एक विकेट गिरना ही न्यूजीलैंड टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बनी। और इस मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने लगातार अपना दबाव बनाए रखा। और वहीं हम आपको बता दें कि दीपक हुड्डा, युजवेंद्र चहल ने तो आज के इस मुकाबले में अकेले बलबूते पर ही 6 विकेट हासिल कर लिए, जहां दीपक हुड्डा ने 4 बल्लेबाज डेरिल मिचेल, एडम मिलने, ईस सोडी और टिम साउदी को आउट किया। तो वहीं युजवेंद्र चहल ने सबसे शानदार बल्लेबाज जेम्स नीशम और ग्लेन फिलिप्स का विकेट गिराया था, जिसके चलते मुकाबला पूरी तरह पलट गया और इस मैच को भारतीय टीम ने 65 रनों से अपने नाम किया। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले में एक समय पर तो लग रहा था कि टीम इंडिया जीतेगी नहीं, लेकिन एक समय पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी की बदौलत भारतीय टीम ने इस मैच को अपने नाम किया। तो वहीं दोस्तों मैच में सबसे बड़े हीरो तो सूर्य कुमार यादव ही रहे, जिन्हें आज मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। और दोस्तों सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिले भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन ही ऐसा कर दिखाया है जो कि न्यूजीलैंड में अक्सर पहली बार खेल रहा बल्लेबाज तो कभी कर ही नहीं पाएगा। और जो शॉट उन्होंने आज हम सभी को दिखाए उसके बाद तो मैन ऑफ द मैच ही नहीं बल्कि इस मैच के बाद उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी पकड़ा ही देना चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि वो आगे क्या करने वाले हैं सीरीज में। हालांकि इन सब के बाद फिर सूर्य कुमार यादव काफी ज्यादा भावुक नजर आए और इस दौरान वो कहे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि टी20 वर्ल्ड कप में हम जब हारे तो मैं अब आगे ऐसी बल्लेबाजी कभी कर भी पाऊंगा, लेकिन मुझे अपने आप पर विश्वास था। न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है और न्यूजीलैंड को उसी की सरजमी पर हराना ये मेरी पारी से बढ़कर है, क्योंकि हम न्यूजीलैंड को हराकर अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना चाहते हैं, जो कि हमने टी20 इंटरनेशनल में गवाई है। हम जानते हैं कि हमने टी20 वर्ल्ड कप में हर एक मुकाबला अच्छा खेला, जब सेमीफाइनल में अच्छा खेलने की बारी आई तभी हम सभी डगमगा गए, जो कि हमारी टीम के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जब तक मैदान पर रहूंगा तो अपनी टीम के लिए रन बनाऊंगा और अपने भारत का नाम दुनिया में सबसे ऊपर लेकर जाऊंगा। मैंने बस यही ठान रखा है कि मैं आगे होने वाले जितने भी मुकाबले खेलूंगा उसमें बेजोड़ मेहनत करूंगा और हो सके तो जितने शतक लग सकेंगे उतने लगाऊंगा, लेकिन अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब 2024 में जरूर दिलाऊंगा। मैं बस हमेशा अपनी टीम को जिताने के लिए खेलता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं होता मैं शतक लगाऊं या न लगाऊं, हमारी टीम जीतनी चाहिए, अंत में तो वही देखा जाएगा। और ये पारियां जितनी भी मैं खेल रहा हूं बस टीम को जिताने के लिए, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। और जो भी मैंने आज तक घरेलू और आईपीएल क्रिकेट में सीखा है उसको मैं यहां अप्लाई कर देता हूं। हालांकि रोहित भाई, हार्दिक भाई जैसे खिलाड़ियों ने मुझे काफी कुछ सिखाया है और कोहली भाई से ही मैंने ये ऐसे आड़े टेढ़े शॉट लगाना सीखा है, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे ही सीखते हुए अपनी टीम को हमेशा जिताऊंगा। तो दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने ये बातें कहकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो, क्या सूर्य कुमार यादव बिल्कुल सही कह रहे हैं या फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।